दाहोद शहर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आरोग्य विभाग द्वारा धोला दिवसे व्यापारी पास थी दंड और साथ ही तंबाकू माल सामान जप्त कराता व्यापारी मचावे होबाड़ो। दाहोद जिला पंचायत ने आरोग्य विभाग की टीम आज दाहोद सरदार चौक पड़ाव खाते करियाणा तथा पाणबीड़ी दुकान पर जाइने आकस्मिक चेकिंग हाथ धराता तमाकू विमल तेमज सीगारेट नो जत्थो पकड़ी पाड़ी कब्जे लेने आड़ेधड़ कंपनी पावती आपी दे दंड वसूली तथा पावती वगर दंड की रकम वसूलता बिफरेला व्यापारी पोतानी दुकाने छोड़ी रोड पर आ गया था और आरोग्य तंत्र हाय हाय नारा लगावी भारे होबारो मचावता पुलिस पण घटनास्थले दौड़ी आवी हती अने आ घटनानी जाण थता ज आरोग्य विभागना अधिकारीओ घटनास्थले दौड़ी आवी ते समये पालिकाना काउंसिलर लखनभाई राजगोर फायुभाई चुनावाला मुकेशभाई खंडेलवाल वगैरे तेमज दाहोद शहर भाजपना होद्देदार दीपेशभाई लालपुरवाला पड़ाव चौक खाते आवी पहोंच्या हता अने आरोग्य विभागना अधिकारीओ साथे विस्तृत चर्चा करी समाधान करी वलण अपनावी हाल पूरतो तो आ मामलो ठारे पाड़वानो प्रयास कर्यो हतो। तमाकु नियंत्रण अधिनियम 2003 कायदानी अमलवरी दंडनी वसूलात तेमज जाहिर स्थलों ऊपर प्रतिबंध अने जनजागृति माटे कामगीरीना भागरूपे शनिवारे जिला तमाकू नियंत्रण ट्रास्क फोर्स स्क्वॉड तथा द्वारा दाहोदना सरदार चौक पड़ाव खाते करियाणा तेमज पानबीड़ीना दुकाने तेमज इतर दुकाने साग माटे सरप्राइज चेकिंग हाथ धरा धरी धाराधोरण वगर आड़ेधड़ दंडनी पावती आपी वगर उच्चक दंडनी रकम उघरावी दुकानोमांथी तमाकू विमल सीगारेटनो मातबर किंमतनो जत्थो पकड़ी पाड़ी जप्त करी लेता व्यापारीओमां भारे रोष जोवा मळ्यो हतो अने व्यापारीओ रोड पर उतरी आव्या हता अने आरोग्य विभागना कर्मचारीओनो हुरियो बोलाव्यो हतो अने आड़ेधड़ दंड वसूलाता एक कर्मचारीने झड़पी पाड्यो हतो त्यारे बीजा कर्मचारी स्थल पर व्यापारीओनो रोष जोईने भागवामां सफल रह्या हता। જ્યારે સ્થળ ઉપર હાજર લોકોએ આરોગ્ય વિભાગ હાય હાયના નારા લગાવી ભારે હોબારો મચાવતા સ્થળ ઉપર પોલીસ દોડી આવી હતી અને જિલ્લાના એપિડેમિક મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર ડીએન પટેલ અને અન્ય આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર મામલાને પોલીસ ચોકી નંબર ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો હતો જે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ અને નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરોની સમજાવટ બાદ મામલો થારે પડ્યો હતો અને વેપારીઓનો જમાવડો ધીરે ધીરે ઓછો થવા પામ્યો હતો અને સમાધાન મારફતે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જે પણ વેપારીઓ ખોટી રીતે દંડાયા છે અને જેમના પાસેથી દંડપેટે રૂપિયાની માલ પડાવવામાં આવ્યું છે તેવા વેપારીઓને રૂપિયાને માલ પરત આપવાની અને ગુનેગાર કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ તપાસ કર્યા બાદ કડક પગલાં લેવામાં આવશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે વેપારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લઈને પોતાના ધંધા રોજગાર શરૂ કર્યા હતા। નઈ મુંડા ZSTV દાહોદ।